सेंसिटिव मुद्दा है ये रिजर्वेशन, आज से नहीं जब से ये अस्तित्व में आया। आपने पेंडोरा बॉक्स एक तरह से उसको टच कर दिया। आप कल ये बात कह चुके अपनी स्पीच में कि भाई ये दो, सरकार तो नहीं दे रही, सरकार ने तो पास करा दिया बिल। अब सवाल उठता है आपका, क्या आप आगे चल के सरकार में भी, जैसे सेक्रेटरीज हैं सरकार में भी और महिला आरक्षण में भी ओबीसी के लिए अलग से व्यवस्था करने वाले? देखिए सिंपल बात, स्टेप बाय स्टेप करना है। आपको चोट लगती है तो एक्सरे होती है, पता लगाना पड़ता है कि स्ट्रक्चर में कमजोरी कहां है, हड्डी कहां टूटी। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, पहला कदम एक्सरे है कि हमें पहले कास्ट सेंसस के माध्यम से हिंदुस्तान का एक्सरे करना है कि भैया हैं कितने लोग, ओबीसी कितने हैं, अलग अलग कम्युनिटीज कितनी हैं, ट्राइबल्स कितने, ये पहले टेबल पे तो रखो। डिसीजन लेने से पहले अगर हम अपने सामने डेटा ही नहीं रखेंगे तो डिसीजन कैसे लेंगे? वो तो आपने बात की बात की, मगर पहले हमारे सामने डेटा रखो। डेटा रखोगे मैं आपका जवाब दे दूंगा, आज तो डेटा ही नहीं है। दूसरी बात, मैंने अपने भाषण में कहा कि आजादी की जो मूवमेंट थी वो एक शुरुआत थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर टू द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के लोगों को पावर ट्रांसफर करने का पहला बड़ा कदम था। उसके बाद हमने और कदम लिए हैं। कास्ट सेंसस से जो डेटा निकलेगा वो हिंदुस्तान की जनता को और पावर ट्रांसफर करने का तरीका है। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के जो ओबीसी हैं, दलित हैं, ट्राइबल्स हैं, बाकी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको हमने ट्रांसफर ऑफ पावर करना है, उनके लिए हमें पावर ट्रांसफर करना है, उनके हाथों में पावर डालनी है, फाउंडेशन वो है। और कास्ट सेंसस की जरूरत है क्योंकि उसको समझे बिना हम ये कर ही नहीं सकते। देखो हमारे समय जितने भी थे सही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे समय कम था वो भी खराब है, इनके समय कम था कम है ये भी खराब है, हम चेंज चाहते हैं, ठीक है। मेरा कहना है कि जब मैंने ये आंकड़ा देखा मैं हिल गया, मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि 90 सेक्रेटरीज में से 3 ओबीसी के हैं। मैं शॉक हो गया, मैं हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है और इसको बदलना है। हिंदुस्तान के जो आम जनता है, गरीब जनता है, उनको पावर देनी है। राहुल, क्योंकि स्पेशल सेशन की बात हो रही है, बहुत शॉकिंग एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें रमेश भिदूरी साहब फ्लोर ऑफ द हाउस में एक स्पीच दे रहे हैं जिसमें वो दानिश अली साहब को ऑन रिकॉर्ड, मतलब माइक पे आतंकवादी कहते हैं, मुल्ला कहते हैं और कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनका हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस तरह का व्यवहार जब संसद के भीतर हो रहा है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? वो और पार्लियामेंट का इशू है, उसमें मैं ये स्पीकर का की जिम्मेदारी है और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस चलता है, इस पे मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट मैं कंप्लीट नहीं हुआ। राहुल जी, आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं, एक तो देरी का, दूसरा ओबीसी के कोटे की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि 2010 में जब यूपीए के समय में बिल आया था, तब अगर यही कोटा जो आज कांग्रेस मांग कर रही है अगर दे दिया होता तो ये कानून शायद 10 साल पहले बन जाता। तो ये जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आज आप कोटे की बात कर रहे हैं ओबीसी के, क्योंकि आप विपक्ष में, जब सत्ता पक्ष में आप बिल लेकर आए थे उस समय ओबीसी कोटा क्यों नहीं था, और क्या इसका आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। राहुल जी, मेरा सवाल यह है कि जब भी आप कोई इशू उठाते हैं तो आप लोग खासतौर पे राहुल जी आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर और आपकी पुरानी सरकार के ऊपर पर्सनल अटैक किए जाते हैं, आप लोगों के ऊपर अटैक किया जाता है। आपने ओबीसी का मुद्दा उठाया, आप लोगों के ऊपर अटैक किया गया
और उसके बाद आप बेबाकी से आपने बोला भी कि मैं रिग्रेट करता हूं कि हमारी सरकार में इसको शामिल कर लिया जाता तो बेहतर होता। आखिर सरकार की क्या मंशा है? 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, सरकार की क्या मंशा है कि ऐसे वक्त में बिल लाया गया, पास करा लिया गया, डिलिमिटेशन और परिसीमन की कोई बात नहीं हुई? नहीं, मुझे जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि ये एक डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है और दो मुद्दों से बीजेपी घबराती है, डिस्ट्रैक्ट कराना चाहती है और ये रिलेटेड है। एक है अदानी जी जो देश का पूरा धन अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और दूसरा कंसेंसस। तो ये रिलेटेड चीजें हैं और इन दोनों बटन को जब मैं दबाता हूं, जैसे यूं दबाता हूं, बीजेपी एकदम जंप करती है। तो क्यों करती है? क्योंकि वो जो ओबीसी कम्युनिटी है सचमुच में उनको पावर नहीं देना चाहती है और वो पावर अदानी जीत के हाथ में कॉन्सेंट्रेट करना चाहती है। राहुल जी, आपसे सवाल यह है क्योंकि जब आपने लोकसभा में भाषण दिया, आपने 90 में से 3 सेक्रेटरी और ओबीसी के जो ओबीसी कम्युनिटी है उसके हालात के बारे में बात करी। अगर 2024 में इंडिया ब्लॉक जो आपका बना है वो पावर में आता है तो क्या इन चीजों को आप जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करेंगे? क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि आपके भाषण के बाद से साफ लग रहा है कि ओबीसी कार्ड इंडिया ब्लॉक या कांग्रेस पार्टी खेल रही है। तो आप अगर पावर में आते हैं तो आप क्या सबसे पहले ये देखिए, ये वो कार्ड की बात करते हैं, कार्ड के बारे में सोचते हैं। मैं कार्ड के बारे में ही सोचता हूं। मैं जो हिंदुस्तान की जनता है उनको एम्पावर करना चाहता हूं और अगर मुझे दिखे कि ओबीसी कम्युनिटी जो है, जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, किसी को नहीं मालूम कितने लोग हैं, बट लोग कहते हैं 50% तक हो सकते हैं। जब मुझे दिखता है कि एक कम्युनिटी है जिसमें हिंदुस्तान की 50% आबादी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज में 3 लोग हैं, 90 में से 3, और वो 5% बजट को कंट्रोल करते हैं, तो मुझे गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है। इस देश में हो क्या रहा है? एक तरफ हम अदानी जी को देश के पूरे इंस्टीट्यूशंस पकड़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, उनको हम हिंदुस्तान को चलाने में, सरकार को चलाने में कोई जगह नहीं देते हैं, दबा के निकाल देते हैं। तो इससे मुझे इरिटेशन हो रही है और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हमने वहां पे कर्नाटक में कहा था कि जिस दिन आएगी उस दिन हमारी 5 गारंटीज लागू हो जाएंगी। यहां भी मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार आएगी, कंसेंसस होगा और देश को पता लगेगा कि हमारे ओबीसी भाई कितने हैं, दलित भाई कितने हैं और उनको देश को चलाने में भागीदारी मिलेगी। यह मैं आपको कह रहा हूं, यह छोटी प्रोसेस नहीं होगी, एक दिन में नहीं होगा, मगर नियत समझिए। आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अमित शाह जी ने कहा कि हमने ओबीसी को विधानसभा में लोकसभा में डाला है। आप मुझे बता दीजिए कानून बनाने में, बजट में उनकी क्या भागीदारी है? पहले 50-60 साल पहले डिबेट्स होती थी, एमपीज का रोल होता था, एमपी कानून बनाते थे। हमारी पार्टी में भी एमपीज को हम रोल देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, नरेगा में इन्वॉल्व करते हैं। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए, विधानसभा में किसी भी स्टेट में पूछ लीजिए, सरकार चलाने में उनकी क्या भागीदारी है? जवाब देंगे, हमारा कोई रोल नहीं है। ये जो मैंने मूर्ति की एनालिजी आपको दी है, ये बीजेपी के एमपी ने मुझे लोकसभा, पुरानी बिल्डिंग में लोकसभा के बाहर बुलाया है कि हमें यहां पे बैठा रखा है, हमारा फायदा उठा रहे हैं, हमारी कोई भागीदारी नहीं है सरकार को चलाने में।